हाई ऑल, वेलकम टू आर चैनल। सो गाइज, आई होप सब आप सब अच्छे होंगे। और जैसा कि दिवाली आ रहा है तो आप लोग, मुझे पता है कि सब बिजी हैं, सब के सब बिजी हैं दिवाली की शॉपिंग करने में, दिवाली की तैयारी करने में, है ना। तो अच्छा है आप लोग बिजी रहो इसी तरह अपनी अपनी लाइफ में और खुश रहो। मेरी तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को हैप्पी दिवाली। तो मैं ये कामना करूँगी कि इस दिवाली आपको हर वो खुशी मिले जिसकी आपको कामना है, जो आपने बहुत टाइम से सोचा है और जो आपकी ख्वाहिश है, वो इस दिवाली आपकी पूरी हो वो ख्वाहिश। तो ये चलिए हम, ये मेरी ब्लेसिंग्स है आप सबके साथ, मेरी ब्लेसिंग्स आप सबको। आप सब बोलते हो कि अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए, तो मेरी ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ में, ठीक है। तो चलिए फिर रीडिंग का हम टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो रीडिंग का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा आपके पर्सन की करेंट फीलिंग को हम चेक करेंगे, ठीक है। देखेंगे कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग क्या है। जैसे कि दिवाली के एक दिन पहले हम ये चेक कर रहे हैं कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग क्या है, क्या वो कॉल करने के मूड में है, मैसेज करने के मूड में है, या फिर आपसे मिलने के मूड में है भी या नहीं है, है ना। तो वो सब हम देखेंगे, क्योंकि करेंट फीलिंग की अभी सबको ज़रूरत है। और जिनका भी अभी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जो चल रहे हैं, तो उनको अभी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है करेंट फीलिंग की। तो मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट है रीडिंग करना, ठीक है, क्योंकि मुझे आप लोगों का ख्याल रखना है, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली के मेंबर हो, ठीक है, मेरी फैमिली हो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे वही हम रीडिंग करने वाले हैं। तो जो भी पहली बार इस चैनल पे आए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखो गाइस, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, सिर्फ वीडियो देखते हो, रीडिंग्स देखते हो। सब्सक्राइब करने के कुछ लगते थोड़ी ना है, फ्री में है, आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। और इससे जो है ना, मैं जब लाइव आऊँगी, जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला है कि मैं दिवाली के दिन लाइव आ रही हूँ, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाया करेगी। और जिन्होंने बेल आइकन को ऑन नहीं किया है, ऑन कर लो, नहीं तो उस दिन की सेशन मिस कर जाओगे आप लोग, है ना। तो आप लोग जो है ना, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, है ना। और हाँ, वीडियो जो है ना स्किप करके बिल्कुल भी नहीं देखनी है, क्योंकि बहुत सारे एंजल मैसेज मेरे पास आते हैं, मैं आपको देती हूँ और आप लोग मिस कर जाते हो, नहीं करना है, ठीक है। शुरू से लेके लास्ट तक देखना है, क्योंकि वो मैसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोगों के लिए, जो आप लोग मिस कर जाते हो। फिर जो है ना, मेरी जो भी रीडिंग्स शुरू से लेके लास्ट तक देखते हैं, उनको देखो रिजल्ट मिलता है। जो भी मैं मैनिफेस्टेशन का बताती हूँ, या फिर जो भी मैं मैसेज बताती हूँ नंबर से रिलेटेड, तो वो जो है ना पर्सन करते हैं, तो उनको क्या होता है कि बेनिफिट होता ही है। आप लोगों ने बहुत बहुत लोगों का पर्सन, बहुत लोगों के पर्सन का कल ही कॉल आया है, जिन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज भी किया था, ठीक है। तो आप लोग भी शुरू से देखो क्या जल्दबाजी में करना है ना। जल्दबाजी का काम किसका होता है, शैतान का। आप लोग शैतान थोड़ी, आप लोग क्यूट से हो ना, क्यूट क्यूट हो ना। तो आप लोग आराम से देखो रीडिंग, ठीक है। तो चल रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग क्या है। तो ये एक जनरल रीडिंग है, वैसे ही लेना है आपको। और जिनके साथ रेजोनेट करती है, प्लीज़ शेयर ज़रूर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल तो सब्सक्राइब करना भूलना भी मत, ठीक है। तो चलो, आपको क्या करना है, आंखें बंद, पर्सन को महसूस, और तब ये रीडिंग देखनी है, ठीक है, ओके। और जिनको पर्सनल रीडिंग लेनी है, व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दे दी जाएंगी, ठीक है। तो चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग क्या है, ठीक है। सो मैं कार्ड निकाल रही हूँ, कार्ड्स दिख रहे हैं आपको अच्छे से, आई होप कार्ड्स दिख रहे होंगे, ओके। दिस यूनिवर्स गाइड मी। सो मैं कार्ड्स निकाल ली हूँ, ओके। प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ प्लीज़ गाइड मी,
ये रहे कार्ड हमारे, और मैं कार्ड्स निकालूंगी उसके बाद. मैं जो है ना और कार्ड्स निकालूंगी बाद में, लेकिन अभी मैं जो है ना थोड़े कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद जो है ना हम लोग रीडिंग स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो मैं कार्ड्स को निकालना स्टार्ट कर रही हूँ. प्लीज गाइड मी, जिसमें आंसर हो वही कार्ड निकले. प्लीज गाइड मी. ओके, और ये रहा हमारा लास्ट कार्ड. ठीक है, अब हम इतने कार्ड से रीडिंग करते हैं, और ज़रूरत पड़ी तो हम और कार्ड्स भी निकालेंगे. ठीक है, तो देखते हैं क्या कार्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक. सेवन ऑफ पेंटिकल्स. ओके, तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड मुझे देखो, यहाँ पे कार्ड मैंने आपको दिखा दिया है. सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक. तो ये कार्ड जो है ना मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग जो है ना, अभी अभी तो आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा डीप थिंकिंग में है, और एक्शन लेने के बारे में ही सोच रहे हैं आपके पार्टनर, जैसा कि मुझे कार्ड्स बता रहे हैं. देखो यहाँ पे अर्थ साइन है, ठीक है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न. ठीक है, तो यहाँ पे ये है, और यहाँ कार्ड मुझे ये भी बता रहे हैं कि आपके पर्सन सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, है ना. पीछे जो भी सिचुएशंस थी, जो भी चीज़ें आप दोनों के दरमियान हुई, आप दोनों के बीच में जो भी गलत फहमियाँ हुई, या फिर जिस वजह से आपके पर्सन ने आपका दिल तोड़ा, ठीक है, उसी के बारे में जो है ना अभी आपके पार्टनर थिंकिंग कर रहे हैं. ठीक है, अपने आप को जो है ना उनको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, अपने आप को रिग्रेट फील कर रहे हैं. ठीक है, रिग्रेट जहाँ यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपके पर्सन की तरफ से. ठीक है, तो यहाँ पे है डेथ का कार्ड, और यहाँ पे और कार्ड्स देखते हैं द लॉर्ड. ओके ओके, और कार्ड्स देखते हैं, यहाँ पे है मेरे पास टू ऑफ पेंटिकल्स. ओके, और द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, और कार्ड्स देखते हैं. मैं पूरे कार्ड्स जो है ना निकालती हूँ, उसके बाद जो है ना हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे, है ना. तो यहाँ पे है द मैजिशियन, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, और यहाँ पे है द लेडी. ओके, तो देखो यहाँ पे कार्ड्स दिख रहे हैं आपको अच्छे से, है ना. कार्ड्स बहुत खूबसूरत हैं. मुझे ये कार्ड्स बहुत पसंद है. तो यहाँ पे जो है ना मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन की करेंट फीलिंग मैं देख पा रही हूँ, कि आपके पर्सन जो है ना यहाँ आपके पर्सन की लाइफ में जो है ना, देखो जैसे कि सेवन ऑफ पेंटिकल्स है और टू ऑफ पेंटिकल्स है, आपके पर्सन की लाइफ में जो है ना बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं. आपके पर्सन जो है ना, आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल है. ठीक है, वो कंट्रोल तो करना चाहते हैं लेकिन कंट्रोल हो नहीं रहा है, बैलेंस बन नहीं रहा है इनका. ठीक है, तो इसलिए इनकी लाइफ जो है ना बहुत ऐसे ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे हो रही है. ठीक है, यानी कि अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं इनके लाइफ में. ठीक है, हो सकता है कि इनकी फाइनेंस अभी, इनको कोई लॉसेस भारी लॉस हुआ हो सकता है कि इनकी जॉब छूट गई हो, या मतलब ये जो पर्सन है ना अभी अपने हालातों से डील कर रहे हैं. ठीक है, अपने हालातों से ही डील कर रहे हैं. ये इस पर्सन में ईगो है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो ना, ये कैसे बैठे हुए हैं साहब, है ना, देख रहे हो कितने ईगो में बैठे हुए हैं ये. देखो यहाँ पे ईगो है, गुस्सा है आपके पर्सन में, आपके पर्सन की जिद है, बहुत ही ज़्यादा जिद्दी किस्म के इंसान है. ये जो बोलते हैं ना आपको करना ही है, ऐसा जो है ना मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन की ये है, जैसे होता है ना कि पर्सनालिटी. ठीक है, तो ये है. और देखो ये पर्सन लॉयल भी है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि इस पर्सन में के दिल में खोट है या फिर कुछ और, नहीं, यहाँ पे ये पर्सन मुझे काफ़ी लॉयल दिख रहे हैं. ठीक है, बहुत ही लॉयल, और बहुत ही कुछ ऐसी चीज़ें की हुई हैं इन्होंने अपनी लाइफ में. अपनी लाइफ में इन्होंने ऐसा कमाया है कि इज्जत प्रतिष्ठा, है ना, कहते हैं ना कि इज्जत और प्रतिष्ठा, तो ऐसे इस पर्सन में है. ठीक है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग है, देखो ये आपसे बात करना करने के मूड में है, एक्शन लेने के मूड में है, लेकिन क्या है, इनका ईगो बीच में आता है, हमेशा आता है. और यहाँ पे क्या है कि इनको ये भी लगता है कि मैं तो सही हूँ, वो है क्या है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्या, उसने क्या बोला, मैंने क्या बोला, लेकिन मैं तो सही हूँ. ठीक है, तो ये है इस पर्सन में, इतना ईगो है ना. और
यहाँ पे जो है ना, और कार्ड्स बता रहे हैं कि इनका ईगो जो है ना बड़ा जल्द खत्म होने वाला है बड़ी ही जल्द खत्म होने वाला है। डेथ का कार्ड है, बहुत जल्द इनका ईगो और आप दोनों में जो ये सेपरेशन चल रहा है, आप लोग दोनों अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो आपके पर्सन जो है ना यहाँ पे आप अब जो है ना न्यू बिगनिंग करेंगे। यहाँ डेथ का कार्ड है, डेथ के बाद क्या होता है कि डेथ के बाद जो है ना एक नया जन्म होता है, ठीक है, एक न्यू बर्थ होता है। तो वैसे ही जो है ना आप दोनों के रिलेशनशिप में यहाँ पे जितनी भी गलत फहमियाँ थी, जितनी भी चीज़ें क्रिएट की गई थी, थर्ड पार्टी ने क्रिएट किया था। थर्ड पार्टी का मतलब ये है कि फैमिली ने क्रिएट किया था, फ्रेंड्स ने क्रिएट किया था, ठीक है, मैं कहने का मतलब वो है। तो ये मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है ना यहाँ पे उस उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए दिख रहे हैं और आगे बढ़ते हुए अपने रिलेशनशिप में मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि इनका ईगो जो है ना और इनका जो घमंड है ना, इनका एकदम रूल टाइप, नहीं मैं जो हूँ वो हूँ, है ना, तो ये अब ख़त्म होने वाला है, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि क्या है करंट फीलिंग, तो मैंने बताई ही आपको, करंट फीलिंग में और भी देखते हैं। तो देखो यहाँ पे करंट फीलिंग के लिए कार्ड जो है ना मेरे पास यहाँ पे आए हैं कि यहाँ आपके पर्सन जो है ना, मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन प्रोफेसर हो सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा जो होता है ना कि एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ कनेक्शन आपका हो सकता है या फिर आपके पर्सन का भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी मुझे मिल रही है कि कोई तो ऐसा पर्सन है जिसको स्पिरिचुअलिटी में बहुत ही ज़्यादा जो है ना मुझे दिख रहा है कि इंटरेस्ट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पे है और द हाई प्रिस्टेस है। तो यहाँ पे कार्ड यही तो बता रहा है कि आपके पर्सन में वो एनर्जी है या फिर आप में एनर्जी वो है, वो काबिलियत है कि आपकी बातें सुनने को लोग जो होता है ना पसंद करते हैं आपको, और आपसे जो है ना सलाह मशवरा भी करना बहुत पसंद करते हैं। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर भी आपसे आपके बारे में अपने किसी बड़े से बात कर रहे हैं कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, मैं क्या करूं, इस एनर्जी से कैसे बाहर निकलूं। हो सकता है कि उन्होंने टैरो रीडिंग या फिर किसी ऐसे पर्सन से यानी कि एस्ट्रोलॉजर से भी कांटेक्ट किया होगा, है ना, या फिर आपने किया होगा, तो ये भी मुझे दिख रहा है यहाँ पे। और देखो यहाँ पे क्या है कि आपके पर्सन का सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है। देखो आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स है यानी कि यहाँ पे मुझे सोलमेट कनेक्शन भी दिख रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे सोलमेट भी हैं, ठीक है, जो ये रीडिंग्स देख रहे हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे बहुत सारे लोग ही दिख रहे हैं कि आप लोगों का कनेक्शन जो है ना सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे आप दोनों का जो है ना द मैजिशियन का कार्ड है, तो आपके पर्सन और आपका जो है ना रिलेशन अब आगे बढ़ने वाला है, ठीक है, आप दोनों का रीयूनियन होने वाला है, आपके पर्सन आपको प्रपोजल देने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको आगे तक ले जाएंगी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। एकदम कह सकते हैं द मैजिशियन मतलब होता नहीं कि एक जादूगर जादू की छड़ी घुमाई और सब चीज़ सही हो गया, इसीलिए तो डेथ का कार्ड और द मैजिशियन का कार्ड आया है, ठीक है। ये देखो कार्ड जो है ना, ये कार्ड मैंने सारे आपके सामने निकाले हैं, ठीक है, तो डेथ का कार्ड है, डेथ के बाद जो है न्यू बर्थ होता है, तो वही जो है ना ये सारी सिचुएशंस ख़त्म होंगी, जो सेपरेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट में हो आप लोग, तो ये ख़त्म होने वाला है। और ये जो है ना द मैजिशियन, ये वाओ ग्रेट नंबर 1 कार्ड, ठीक है सब चीज़ सही होने वाला है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आपके पार्टनर जो है ना इमोशनली तो कनेक्ट है ही, कहते हैं ना कि उनके माइंड में आप चारों तरफ हो, ठीक है, आपके ही ख्याल हैं, आपकी ही बातें हैं, आप कोई ऐसा इनका दिन नहीं है जब वो आपको भूल पा रहे हो या भूल जाते हैं, नहीं कभी नहीं, क्योंकि ये पर्सन जो है ना आपसे कनेक्ट है, आपसे इतना प्यार है इनको, इतनी जो है ना मुझे मैं ये कह सकती हूँ कि इतना आपके लिए अट्रैक्शन है, आपके लिए इतना लव है, इतनी आपकी केयरिंग पर्सनालिटी है और आपके पर्सन की भी बहुत केयरिंग पर्सनालिटी है, आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आप हो सकता है कि आपकी मैरिज हो गई हो और यहाँ पे आपके पार्टनर की भी मैरिज हो गई हो,
तो नहीं मैरिड हो, या हो सकता है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ हो और हस्बैंड वाइफ में झगड़े चल रहे हो, आप लोग दोनों बात नहीं कर पा रहे हो, सेपरेशन में हो। तो देखो ये सबके लिए है, मैरिड हो अनमैरिड हो, मेल हो फीमेल हो, सबके लिए है ये रीडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। ये देखिए ये पर्सन जो है ना लॉयल है, ठीक है, और आप भी लॉयल हो, यहाँ पे आपके पर्सन भी आपको यही समझते हैं, ठीक है। तो वो चाहते हैं आपसे बात करना, आपसे कांटेक्ट करना, आपसे मिलना, ठीक है। तो यहाँ पे ये है, और कहते हैं ना कि कुछ ऐसा कर कमाल के तेरा हो जाऊँ, है ना, तो ये वाली भी फीलिंग है, इसीलिए तो द मैजिशियन का कार्ड आया है, ठीक है। तो आपके पर्सन की करेंट फीलिंग तो यही है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, और वाओ तो यहाँ पे क्या है, आपका और आपके पर्सन का यहाँ पे रीयूनियन होते हुआ मुझे दिख रहा है, और फोर डेज, 4 घंटे किसी के लिए, और किसी किसी के लिए 4 दिन भी हो सकते हैं, किसी के लिए चार जो है ना 4 वीक्स भी हो सकते हैं, और किसी के लिए 4 मंथ भी हो सकते हैं। तो टाइम पीरियड की मैं बात करूं तो यहाँ पे मुझे कार्ड पूजा बता रहे हैं कि इतना टाइम लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो जो है ना, देखो यहाँ पे क्या है कि डेविल है, ठीक है, ये द डेविल है, यानी कि यहाँ पे जो है ना आप दोनों के रिलेशनशिप में, जैसा कि मैंने कहा कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होने के कारण से आप लोग सेपरेशन में हो। तो यही कार ये कार्ड मुझे वही बता रहा है, मैंने वाव कहा, वाव कहने का कारण मेरा ये था क्योंकि ये कार्ड आया है, ये कार्ड आ गया तो इस कार्ड का कोई मतलब ही नहीं बनता, ये कार्ड है, क्योंकि इतने सारे मेरे पास पॉजिटिव कार्ड्स हैं और ये सिर्फ एक नेगेटिव कार्ड है, ठीक है। ये और डेथ, डेथ भी तो है पॉजिटिव कार्ड, जो न्यू बिगनिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए निगेटिव एनर्जी है, निगेटिव थाट्स हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं बिगाड़ सकती आपका, ठीक है। आप इन आपके पर्सन, मैंने माना कि यहाँ पे आपके पर्सन किसी और के कंट्रोल में है, किसी और का कहना मानते हैं, जो वो कहते हैं वही वो करते हैं या करती हैं। तो देखो यहाँ पे ये सिचुएशन है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे डेथ हो रहा है, यानी कि इस चीज़ का अंत हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, और अंत होकर के फिर से एक न्यू बिगनिंग हो रही है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी है, तो थर्ड पार्टी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये है टाइम पीरियड, तो मैंने आपको बता दिया। चलो कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं वो आपको, ठीक है। तो बहुत सारे मैसेजेस हैं, और बहुत सारे पुराने मैसेजेस भी निकल जाते हैं, और जो न्यू हैं वो नीचे रह जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचना कि मैं मैसेजेस जो है ना, यहाँ पे देखो इतने सारे मैसेज हैं, मैं कैसे निकालूंगी बताओ, सारे बहुत सारे गिर जाते हैं, है ना। तो कुछ नए कुछ पुराने, है ना। पता नहीं क्यों मुझे जो है ना ये एंजल मैसेज आ रहे थे, पता नहीं, हो सकता है कि किसी के पर्सन गा रहे होंगे किसी के लिए, या फिर आप गा रहे होंगे अपने पर्सन के लिए, लेकिन ये सॉन्ग जो है ना मुझे वाइब्स आ रही हैं, अभी भी आ रही हैं कि ये सॉन्ग गाओ, ये सॉन्ग गाओ, तेरी मेरी, मैंने पता नहीं क्यों गा दिया, आई डोंट नो। सो चलो देखते हैं, मुझे याद आती है हर पल अपनी मोहब्बत की वो बातें तो आपके साथ जो पल बिताए हैं ना इन्होंने, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मिस करते हैं उस पल, उन पलों को, ठीक है। तो आती है याद उसकी अक्सर, जिसको कभी मेरी याद नहीं आती, तो इनको लगता है कि आप इनको याद ही नहीं करते हो, इसीलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। अगर जिंदगी हो वो हो तेरे संग, अगर मौत हो तो वो हो तुझसे पहले, ये जो है ना सॉन्ग, अगर जिंदगी हो तेरे संग, अगर मौत हो तो वो हो तुझसे पहले, है ना। ओके, तो पहली मुलाकात बहुत याद आती है, ये है आपके पर्सन के मैसेजेस, और देखते हैं क्या मैसेज है। ना जाने क्यों लोग हमसे जलते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो आप लोग उस आप लोग दोनों को देख के जलते होंगे, तो वही आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं। कुछ लिखा था तेरे लिए, फिर एकदम से तेरी याद आ गई। ओहो, कुछ लिखा था आपके लिए उन्होंने, और फिर अचानक से आपकी याद आ गई उनको, सो रोमांटिक।
तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है सॉन्ग ये है, ठीक है। आपका बर्थडे आ रहा है, मुझे याद है, ओ माय गॉड, आपका बर्थडे आ रहा है, स्पेशल मैसेज, जिनका बर्थडे आ रहा है उनके लिए है, ठीक है। तो ये रही मुझे तो लगता है कि बर्थडे में ही जो है ना यहाँ पे मैसेज आने वाला है आपके पार्टनर का क्योंकि उनको याद भी है, वो ही आपसे यही कहना चाहते हैं। तो ये रही आपकी रीडिंग, सो आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी, अच्छी भी लगी होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। हैप्पी दिवाली, बाय।